हाँ जी, अगला जिहड़ा साडा टॉपिक है जी इंजीनियरिंग मटीरियल विच होगा कंपोजिट मटीरियल। कंपोजिट मटीरियल की हुंदा वा, तुसी एक दो या तीन चीज़ां नूं मिक्स करके बनाना वा, ठीक है, एक नवी चीज़ बना देनी है। जिहड़ी आ नवी चीज़ की प्रॉपर्टी है इन्हां नालों बिल्कुल की होएगी वक्री होएगी, ठीक है जी। प्लस तुसी जे वेखन जाओ तो तुहानूं इहदे विच एक दो ते तीन अपनी जिहड़ी होंद खत्म हुंदी नाल दिखाई नहीं देगी। जिद्दां कि तुसी वेख्या होणा वा सीमेंट नूं बजरी नाल मिक्स कर देंदे हो, फिर तुहाडा कॉन्क्रीट ते उहनूं मसाला कहिंदे हो। इहदे विच तुहानूं बजरी भी हुंदी है, रेत भी हुंदी है, सीमेंट भी हुंदी है ना, सब कुछ हुंदा। उहनां ऐ ते नहीं हुंदा कि तुहानूं सैंड दी क्वालिटी उच्च नहीं नज़र आती, पर कंक्रीट की जिहड़ी बिहेवियर हैगा आ गुण है वह इन्हां तिन्हां नालों बिल्कुल की है, कल्ले नालों बिल्कुल अलग है, पर तिन्हां दी होंद दे विच रहिंदी है। उदाहरण वालों तुहानूं मैं दस्सिया कंपोजिट मटीरियल की, उदाहरण वालों कंक्रीट जिहड़ा कंपोजिट मटीरियल की हुंदा जे कैन बी डिफाइंड एज कॉम्बीनेशन ऑफ टू और मोर मटीरियल्स दैट रिजल्ट इन बैटर प्रॉपर्टी दैन दोज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। जिहड़े कंपोनेंट तो इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट मतलब जिन्हों तो बढ़िया है उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल की होंगी अलग होंगी है। सब तो इंपोर्टेंट गल की है जिन्हें बनिया हों उन्होंने गुण वो रेंदे ही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट की होंगे कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन द कंपोजिट, जिन्हिया चीज़ों बनिया है उन्होंने गुण वो कंपोजिट में रेंदे रेंदे। कंपोजिट्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मटीरियल बिकॉज उन्होंने बड़ी छेती अपने आप ढाल लेंगे ने। अडैप्टेबिलिटी मतलब धारना अपने आप ढाल लेना टू डिफरेंट सिचुएशन एंड द रिलेटिव ईज ऑफ कॉम्बीनेशन विद अदर मटीरियल टू सर्व स्पैसीफिक परपज, तो अपने आप ढाल लेंगे बड़े जल्दी दूजे ना कॉम्बीनेशन बना लेंगे ने, जो भी उन्होंने तो काम लेना हूँ बड़े आसानी लिया जा सकता है। एंड नरे डिजायरेबल जिन्हें गुण सूँ चाहिए होंगे वो दिखा भी देंगे, ठीक है जी। द मेन एडवांटेजिस जब सब तो पहले कंपोजिट जी मटीरियल की एडवांटेज सब तो हाई स्ट्रेंथ वगैरह होंगी है, स्टिफनैस होंगी है कंबाइंड विद लो डेंसिटी, इन्ने भारे नहीं होंगे पर भारे इन्ने ज़्यादा नहीं होंगे, बट इन स्ट्रेंथ वगैरह जो तुम देखो बहुत ज़्यादा होएगी, डेंसिटी घट होएगी, ठीक है जी, वैन कंपेयर्ड विद बल्क मटीरियल। कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट मटीरियल, कंपोजिट मटीरियल के जिहड़े काहदे काहदे बने होंदे आ, जिन्हें भी चीज़ों ने मिलकर बने होंगे उन्होंने दो भागों च वंडिया जा सकता। एक नूं कहिंदे आ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नूं प्राइमरी फेस कहिंदे आ, ते दूजे नूं कहिंदे रीइनफोर्स या डिस्पर्स फेस, जिहनूं सेकेंडरी फेस भी कहिंदे। मतलब तुसीं मेन जिहड़ा भाग होएगा तुहाडा मैट्रिक्स होएगा, तो उहदे विच तुसीं की होणा वा रीइनफोर्स्ड पार्ट नूं विच पा देणा हैगा, डिस्पर्स फेस उहदे विच देखो कंटीन्यूअस इनक्रेटर यह लगातार हैगा वा, जिहड़ा तुहाडा मैट्रिक्स हुंदा आ वह लगातार हैगा। जिद्दां आपको नीला नीला जिहड़ा भाग विखाया वा फिक्के नीले रंग ना, इहनूं मैं लाल रंग ना दिखा दिंदा वा दूजियां बिंदियां जिहां नूं, ताकि तुहानूं कोई वो ना रहे शक ना रहे। देखो नीला नीला पार्ट क्या लगातार हैगा, तो लाल लाल पार्ट कितेगा, तो यही तुहानूं मैं गल दस्सा दिंदा। मैट्रिक्स कंटीन्यूअस इनक्रेटर हुंदा, मोर डक्टाइल मतलब उहनूं वो मतलब कि उन्हों बखो बखरी शेपा ढालिया जा सकता, घट सख्त हों लैस हार्ड हों, तो ये डिस्पर्स फेस पिया हों एंड शेयरस लोड विद इट, उन्हें अपनी जिन्ना भी भार हों उन्हें डिस्पर्स फेस के नाल शेयर करना हों, तो जरा रीइनफोर्स्ड पार्ट सेकेंडरी फेस हों, तो डिसकंटीन्यूस कितने कितने लाल भाग नजर आता वा तुम इस डायग्राम से, तो पर मैट्रिक्स नालों की हों स्ट्रोंग हों, ठीक है जी। यानी कि कंपोजिट मटीरियल दो हिस्से ने, एक मैट्रिक्स तो दूजा रीइनफोर्स्ड फेस, ठीक है बेटा जी। चलो क्लासीफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटीरियल, बेटा जी आप अगर यदि क्लासीफिकेशन करनी हो कंपोजिट मटीरियल वर्गीकरण करना हो कंपोजिट मटीरियल का, आपू दो आधार पर वंड सकते हैं, एक तो मैट्रिक्स के आधार पर, तो दूजा रीइनफोर्समेंट के आधार पर, समझ लग गई जी। उन्होंने दो पा क्लासीफिकेशन की जा सकती है कि क्लासीफिकेशन कंपोजिट मटीरियल, एक मैट्रिसिस के आधार पर कि मैट्रिक्स किदा का लिया तुम्हें, तो रीइनफोर्समेंट किदा की लई है, वो आधार पर आप कंपोजिट मटीरियल का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है जी। मैट्रिसिस के आधार पर तुम वेख लो मैट्रिक्स मेन जरा प्राइमरी फेस कि लै सकते हो, तुम पॉलीमर लै सकते हो, तुम धातु लै सकते हो, सिरेमिक लै सकते हो, सिरेमिक तुम पढ़ चुके हो, कार्बन एंड ग्रेफाइट लै सकते हो, पॉलीमर अगर दो टाइप तुम लै सकते हो, चाहे थर्मोसैटिक पॉलीमर लै लो चाहे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर लै लो, तुम पॉलीमर से पढ़ चुके हो। तो मैटल की मैटल अलॉय भी लै सकते हो, तुम सिरेमिक ग्लास वगैरह, सिरेमिक सीमेंट, ठीक है जी।
मैट्रिक्स तुम्हें किदा का मैट्रिक्स वरते हैं वो हिसाब से दस सकते भी सिरेमिक वाला कंपोजिट मटीरियल है कि मैटल वाला कंपोजिट मटीरियल है पॉलीमर वाला कंपोजिट मटीरियल कि कंपोजिट मटीरियल है। हूँ रीइनफोर्समेंट तो वो रीइनफोर्स्ड पार्ट के डिस्पर्स वेस्ट कि लिया वा चाहे तो फाइबर लै लो चाहे विस्कर लै लो चाहे लैमीनर लै लो चाहे फ्लेक्स लै लो चाहे फील्ड लै लो पार्टिकुलेट लै लो माइक्रोस्फीयर लै लो ये जरा मैट्रिक्स भी जिदा बदला जा सकता है तो डिस्पर्स फेस यानी कि रीइनफोर्समेंट भी बदली जा सकती भी तुम्हें कंपोजिट मटीरियल कि बनाया और डिपेंड करता तुम्हें चीज़ को कि चूज़ किया है कंपोजिट मटीरियल बनाने वास्ते। फाइबर फाइबर तुम लंबे भी लै सकते हो जो छोटे भी लै सकते लॉन्ग पाइल्स भी लै थ्रेड भी लै ऑरगैनिक भी लै सकते हो इनऑरगैनिक विस्कर सिंगल क्रिस्टल भी लै सकते हो। तुम फोटो कुछ विखाई गई वक्ो बखरे रीइनफोर्स्ड मेंट जो तुम वरत सकते हो। हूँ अगे आ गया एडवांटेजिस एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट मटीरियल अगला तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा कंपोजिट मटीरियल की होंगे है तो तुम पुछे वे तुम फायदे की है तो वो एप्लीकेशन की है। सब तो पहला एडवांटेजिस एप्लीकेशन जो अपलाई बाद करा पहले एडवांटेज होगी लाइट इन वेट एंड लो डेंसिटी हल्के होंगे ने पर वेट भी होना होता इस करके ऑटोमो जी होंगे ऑटोमोबाइल्स वगैरह उन्होंने पार्ट बनाने काम आते हैं जिदा कि एरोप्लेन के पार्ट वगैरह बनाने के काम आते हैं। हाई स्ट्रेंथ सख्त बहुत होंगे ने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होंगी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो हूँ कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी पर भार घट हों इना की फायदा ही है यदि जिते तुम लोहा वरतो हाँ इन्होंने कंपेरिजन उ वजन बहुत ज़्यादा बन जाएगा जहाज़ का इस करके जहाजा ने पार्ट वगैरह बनाने काम वरत्या जाता है। ठीक है जी जल्दी कितने जंग नहीं लगता। ठीक है जी ईज़ ऑफ जल्दी कि बखो बखरी शेपा ढालना ढालिया जा सकता ईज़ ऑफ फैब्रीकेशन यूज टू क्रिएट रीक्रिएशनल बोर्ड्स एबिलिटी टू इनकॉरपोरेट सेंसर अपने अंदर इन्होंने मटीरियल जो स्मार्ट कॉम्पोजिट बनाने उन्होंने भी सेंसर सुंसर ला सकते हो। नॉन कंडक्टिव मतलब कि इन्हों इलैक्ट्रिसिटी वाले कोई भी चिड़ा पाना हो एल ई डी वगैरह वह भी तुम दस दो इन्होंने बारह चो करंट वजना नहीं। ठीक है जी नॉन मैगनैटिक जो मैगनैट का सड़ना होदा का कि कोई त मैगनैटिक चीज़ को ये समोया जा सकता कि जिदा कि हम तुम कहता जिदा हम तुम करो जोड़े हस्पताल के रूम या वॉल में आप जोड़न वास्ते रेबार कॉम्पोजिट वरत्या जाता है। लिमिटेशन की होंगे हाई कॉस्ट महंगा पैंता जे कॉम्पोजिट आर मोर ब्रिटल दैन रॉट मेटल्स छेती टुट जाता जे एंड दस आर मोर ईजली डैमेज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ मे बी वीक मैट्रिक्स इज़ वीक देयर फॉर लो टफनैस रीयूज एंड डिस्पोजल मे बी बार बार रीयूज करना डिफिकल्ट हो सकता है डिफिकल्ट टू अटैच डिफिकल्टी विद एनालिसिस कॉस्ट कैन फ्लक्चुएट महंगा भी हो सकता कभी सस्ता पै जाए कभी महंगा पै जाए कोई परमानेंट यानी कि फिक्स इन्ने का ही पेगा। ठीक है जी इस कॉम्पोजिट मटीरियल तो खत्म हो गया जे बेटा। ठीक है जी हूँ अगले लैक्चर आप पेंट वार्निश के नैवल पढ़ लाँगे। ठीक है जी धन्यवाद।